औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुदस्सिर अली मिनहास और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। जी नाज़रीन, आज हम चार मरला का डबल स्टोरी एक बहुत ही प्यारा आपके लिए घर लेके आए। खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन का ये घर है, बहुत ही मेहनत के साथ इस घर को डिज़ाइन किया गया है। इस घर के रूफ टॉप के ऊपर, इस घर के छत के ऊपर आपको पेंट हाउस की ऑप्शन भी मिलती है और बेहतरीन कंस्ट्रक्शन का ये हाउस है। जी नाज़रीन, इस घर के रूफ टॉप के ऊपर पेंट हाउस की ऑप्शन आपको मिल जाती है। बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन का ये हाउस डिज़ाइन किया गया है। आपको मुकम्मल डिटेल देते हैं, रीजनेबल डिमांड का ये घर है, जिन लोगों का बजट कम है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपके साथ मुकम्मल डिटेल शेयर करते हैं। स्टार्टिंग के ऊपर आपको लॉन एरिया मिलता है, यहाँ पर पौधे लगाए भी गए हैं और फ्रंट इसका जो है वो 20 फीट फ्रंट है, 45 फीट इसकी बैक है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें, हमजा टाउन फेस 2 में ये घर मौजूद है। ये व्यूअर्स, आप इसकी स्ट्रीट देख सकते हैं, बेहतरीन स्ट्रीट है, वाइड स्ट्रीट है और साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन स्ट्रीट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी फैमिलीज रह रही हैं, अच्छे घर बने हुए हैं और सुलझी फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं। रजिस्ट्री इंतकाल वाली ये ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं इसके रोड। तो व्यूअर्स, आपको घर के अंदर लेके चलते हैं, मुकम्मल डिटेल देते हैं। सबसे पहले आप इसका डोर देखें, अब आपको घर के अंदर लेके चलूँगा मैं। जैसे व्यूअर्स आपको घर के अंदर लेके आता हूँ, इस साइड पे आपको मिल जाती है आपकी मशीन्स वगैरह, वॉशिंग मशीन्स वगैरह, आप इधर अपनी सेव कर सकते हैं। और इसी तरह से ये गैराज एरिया आपको दिखाया जा रहा है। गैराज में जो ये आपको मैट मिल रहा है, कारपेट, ये काफ़ी बड़ा कारपेट है, ये ऊपर आपके रूफ टॉप के लिए आया है। घर के अभी 5% काम पेंडिंग है। ये आर्टिफिशियल ग्रास है, आर्टिफिशियल ग्रास का कारपेट है जो इधर लगाया गया है। इसके अंदर भी आर्टिफिशियल ग्रास अभी लगना बाकी है, इंशाल्लाह वो हम लगा के देंगे। और इसी तरह से ड्राइंग रूम का डोर आपको सेपरेट मिल जाता है। व्यूअर्स, लाउंज का डोर जो है वो बिल्कुल सेपरेट मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं लाउंज का डोर। डोर इसके सेमी सॉलिड वुडन में डिज़ाइन किए गए हैं। और इसी तरह से व्यूअर्स, यहाँ पे आपको निशेज मिल जाती हैं, आप देख सकते हैं वॉल्स के ऊपर निशेज हैं। निशेज में LED लाइट्स और वॉलपेपर का काम किया गया है। अगर मैं आपको गैराज की सीलिंग दिखाऊँ तो गैराज की सीलिंग भी खूबसूरत की गई है, बेहतरीन सीलिंग है। और इसी तरह से व्यूअर्स, आपकी जो स्टेयर्स हैं वो गैराज में से ही आपको ऊपर के लिए मिल जाती हैं। अब इसी तरह से मैं आपको लेके चलूँगा फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर के लाउंज एरिया। व्यूअर्स, हम आपको लाउंज एरिया में ले आए। जैसे ही आपको लाउंज में लेके आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे मीडिया वॉल मिलती है, बेहतरीन मीडिया वॉल इसकी डिज़ाइन की गई है सीलिंग वर्क के साथ। वॉलपेपर आपको मिल रहे हैं, टाइल फ्लोरिंग इसकी बहुत ही खूबसूरत की गई है, बेहतरीन टाइल फ्लोरिंग है, 2x2 की टाइल फ्लोरिंग की गई है। ड्राइंग रूम आपको सेपरेट मिल जाता है, ड्राइंग रूम का डोर भी सेपरेट है। और वॉलपेपर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं निसब किए गए हैं, 3D वॉलपेपर्स हैं। और इसी तरह से इसके साथ अटैच आपको वॉशरूम मिल जाता है। इस वॉशरूम में आप देख सकते हैं टाइल की ऑप्शन है और बेहतरीन काम है, बेहतरीन क्वालिटी है, प्रॉपर वॉल लैंप्स आपको मिल रहे हैं। सीलिंग में आप देखें खूबसूरती। अभी व्यूअर्स, आपको मैं लेके चलता हूँ ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम में, उसके बाद किचन का विजिट करवाऊँगा। इसका किचन भी बहुत खूबसूरत है। घर की दीवारें टोटल 9 इंच में, बेहतरीन काम और बेहतरीन क्वालिटी। इस साइड पे भी 9 इंच की दीवार है, इसमें आप देख सकते हैं निशेज वगैरह बनी हुई हैं वॉल के अंदर। तो ये आप व्यूअर्स देख सकते हैं, बेहतरीन साइज़ है इस बेड का, मास्टर बेडरूम है ये। 3 सेक्शन में वार्डरोब्स हैं यहाँ पर। और इसी तरह से अटैच आपको यहाँ पे वॉशरूम मिल जाता है, वॉशरूम में सीट की ऑप्शन है। एक्सेसरीज अभी लगने वाली है इंशाल्लाह, वो आपको हम लगा के देंगे, सीट की ऑप्शन। और ये जी वेंटिलेशन एरिया, गीजर का सामने पॉइंट मिलता है। इसी तरह से आपको किचन दिखा देते हैं, किचन भी बहुत ही खूबसूरत है। आप किचन की शीट का कलर देख सकते हैं, खूबसूरत शीट का कलर और स्पेशियस साइज। ये तकरीबन 5 फिट की स्पेस है, इसके दरमियान में इजीली आप खड़े होके अपनी कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। और प्रॉपर इस साइड से भी विंडो किचन को मिल रही है और इस साइड से भी किचन को विंडो मिल रही है। सीलिंग डिज़ाइन आप देखिए बेहतरीन है। और इसी तरह से व्यूअर्स, आपको हम लेके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर और मुकम्मल फर्स्ट फ्लोर का रिव्यू करवाते हैं, उसके बाद लास्ट में आपको पेंट हाउस का विजिट करवाएंगे। इस घर की जो रूफ टॉप के ऊपर पेंट हाउस बना हुआ है, रेलिंग इसकी अभी लगने वाली है स्टेज पर, वो इंशाल्लाह हम आपको लगा के देंगे। जैसे हम ऊपर आते हैं, इधर हमें टेरेस की ऑप्शन मिलती है। इस टेरेस में भी आर्टिफिशियल ग्रास का काम होगा, वो इंशाल्लाह हम आपको करके देंगे। ये व्यूअर्स फर्स्ट फ्लोर का लाउंज एरिया, 2x2 की यहाँ पे टाइल फ्लोरिंग है, वॉलपेपर निसब है, 3D वॉलपेपर्स,
ये मीडिया वॉल, ये सीलिंग डिजाइन, और यहाँ पे किचन जो है वो ओपन दिया गया है और काफी बड़े साइज का किचन है। आप चाहें तो कल को मिरर की पार्टीशन करके इसको क्लोज भी कर सकते हैं। आपको मास्टर बेडरूम में लेके चलते हैं, ये मास्टर बेडरूम है इसका। सीलिंग डिजाइन बेहतरीन, टाइल फ्लोरिंग आप देख सकते हैं खूबसूरत है, और थ्री सेक्शन में आपको वार्डरोब्स मिल जाती हैं। पियानो डिजाइन टाइल्स का, और इसी तरह से ये वॉशरूम, वॉशरूम में टाइल की ऑप्शन कंप्लीट है, टाइल फ्लोरिंग और सीलिंग भी बेहतरीन है। इसी तरह से लास्ट बेडरूम का आपको विजिट करवाते हैं। इस घर के अंदर आपको तीन बेडरूम मिलते हैं, हमजा टाउन फेस टू में ये घर मौजूद है। ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं बेहतरीन डिज़ाइन, पियानो डिज़ाइन दिया गया है, थ्री सेक्शन में वार्डरोब्स, और ये जी वॉशरूम, टाइल फ्लोरिंग कंप्लीट, और थ्री सेक्शन में एलिगेंस की शीट के साथ वार्डरोब्स बनी हुई है। ये आप देखें सीलिंग डिज़ाइन। और इसी तरह से व्यूअर्स आपको मैं रूफ टॉप पर लेके चलता हूँ, स्टेयर्स उसी तरह से, स्टेयर्स पे ट्रॉपिकल मार्बल, टाइल फ्लोरिंग, बिडिया वॉल। ऊपर आते ही हमें ये काफ़ी बड़े साइज में स्टोर रूम मिलता है, और स्टोर रूम से आगे की जाने जब हम आते हैं ये हमें रूफ टॉप पे पेंट हाउस मिलते हैं। ये व्यूअर्स पेंट हाउस है, इसमें हम झूला लगा के देंगे आपको, और ये जितना एरिया आपको नज़र आ रहा है इसमें आर्टिफिशियल ग्रास का पूरा कारपेट बिछेगा, जहाँ जहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है सारा बेहतरीन यहाँ का व्यू होगा। इंशाल्लाह जब ये लग जाएगा तो इसका अपना ही एक व्यू होगा, बहुत ही खूबसूरत व्यू होगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। शाम के टाइम जो है आप इधर टी इंजॉय कर सकते हैं, सिटिंग कर सकते हैं, बारिश के टाइम पे भी आप इधर बैठ सकते हैं, क्योंकि ऊपर फाइबर वर्क किया गया। इसमें एक बड़ा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा फनूस भी लगाया गया है। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्रॉपर ये लाइट्स भी दी गई हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इस घर की डिमांड 96 लाख है, 96 लाख इस घर की डिमांड है, 96 लाख, और टोकन के ऊपर निगोशिएबल भी है। 96 लाख में आपको ये घर मिल सकता है, टोकन पर लिटिल बिट निगोशिएबल है, बहुत माइनर सी। अगर आप इस घर की डील बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।